तुमने बहुत बार सुना होगा कि कोई बोलता है हमारी बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 36 डिग्री सेल्सियस होता है, तो कोई बोलता है हमारी बॉडी का टेम्परेचर 96 फ़ारेनहाइट होता है। ये सेल्सियस और फ़ारेनहाइट ये क्या है और इनमें इतना डिफरेंस क्यों? तो देखो, टेम्परेचर को नापने के लिए हमारे पास तीन तरह के स्केल होते हैं। अगर स्केल समझ में ना आए तो समझ लो तीन तरह के थर्मामीटर होते हैं, और उन तीनों थर्मामीटर की रीडिंग अलग अलग होती है। एक की होती है डिग्री सेल्सियस में, एक की होती है केल्विन में, एक की होती है फ़ारेनहाइट में। डिग्री सेल्सियस वाले थर्मामीटर का यूज़ करते हैं हम लेबोरेटरी में, और फ़ारेनहाइट वाले का मेडिकल फील्ड में यूज़ करते हैं, और केल्विन वाले का साइंटिफिक लेबोरेटरीज़ में। केल्विन स्केल पे टेम्परेचर को नापने का एक फ़ायदा है, कभी भी इसकी वैल्यू ना नेगेटिव नहीं आती है। इन सब फॉर्मूलाज का यूज़ करके हम केल्विन को सेल्सियस में, सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को फ़ारेनहाइट, इन सब में चेंज कर सकते हैं। एक मैं क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उसका आंसर कमेंट में बताना। बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर, केल्विन में आंसर देना।